अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है MGT 611 का लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है काइंड्स एंड लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंड आउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप वो हैंड आउट किस तरीके से ले सकते हैं उसके लिए वीडियो को काइंडली पूरा देखें। नंबर वन पे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होंगे काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम तीन किस्म के कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में फ्री नोट्स, फ्री गेस्ट पेपर और जो एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हैं वो आपको बताई जा सके। तो आइए अपने लेक्चर को। जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमने स्लाइड्स में देखा था कि मेन टाइटल जो है लेक्चर का वो है काइंड एंड लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं हम, इसमें से बहुत सी काइंड जो है वो पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लिया और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लिया, बाकी जो काइंड है वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वर्ड को एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। एग्रीमेंट वर्ड इफ कंसिडर एन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, यानी कि एग्रीमेंट जो है वर्ड हो जाता है। एक एग्रीमेंट जो है वो वर्ड एग्रीमेंट वो होते हैं, सिंपल से डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, जो लीगली इन्फोर्स नहीं हो सकते। अब उसके अंदर कंसिडरेशन से क्या मुराद है? कंसिडरेशन से मुराद ये है कि मैंने आपको कहा, कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप मेरा घर जो है वो बना दें, तो आपने मुझे बोला कि मैं ये घर बनाने के 2 लाख रुपये लूँगा जिसमें मटेरियल सारा आपका होगा। ठीक है, तो हमने एग्रीमेंट कर लिया। अब इसमें जो कंसिडरेशन क्या है कि मैं आपको, आपके लिए कंसिडरेशन क्या है कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है कि मुझे घर बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये लॉफुल होना चाहिए कंसिडरेशन। अगर ये कंसिडरेशन अनलॉफुल है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरे लिए चोरी कर दें, ठीक है, तो ये जो चोरी कंसिडरेशन है ये अनलॉफुल पार्ट है। तो अगर अनलॉफुल कोई कंसिडरेशन होगी तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन मैन और ऑब्जेक्ट और एनी वन और पार्ट ऑफ एनी वन और सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब देखें, इसमें पहली कंसिडरेशन ये हो गई, हम जो अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे हम उसी की बात करते हैं। ये जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है वो मेरा घर बना दें, मैं आपको 2 लाख रुपए उसकी मजदूरी के तौर पे या लेबर चार्जेस दे दूंगा। और दूसरा मैंने कहा कि एक तो आप मेरा घर बना दें, दूसरे इसमें जो बिजली का कनेक्शन लगा देना वो आप चोरी का लगा दें। ठीक है, तो दूसरी जो कंसिडरेशन हो गई वो अनलॉफुल हो गई। तो इसमें अगर हम दोनों के दरमियान अनबन होती है और आप अपने पैसों के लिए कोर्ट के अंदर जाते हैं तो ये कोर्ट जो है वो इस केस को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि एक कंसिडरेशन तो लॉफुल है लेकिन दूसरी कंसिडरेशन है जो अनलॉफुल है और हम दोनों को इसकी बेस पर सजा हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक सो कि वॉइड एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसकी बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, इसमें से जो मोन इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इंपॉर्टेंट हम इसलिए डिस्कस करेंगे, देखें एग्जाम में अगर ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता। 90 मिनट्स का पेपर हुआ है लास्ट टाइम फाइनल टर्म का, और मिड टर्म का 60 मिनट का हुआ है, तो आप 5 मिनट अगर कंसिडर करें तो आप सिस्टम के ऊपर कितना टाइप कर लेंगे? तो 5 लाइनें या 5 पॉइंट भी इनफ हैं छोटे से इंट्रो के साथ, तो वो आपका पूरा जो है वो यहाँ से बन जाएगा। ट्रस्ट एक्ट 1882 सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट वेर इज अ ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर टू पर्पस ऑफ विच वन इज लॉफुल एंड अदर इनलॉफुल। वही सेम बात हो रही है कि अगर आप किसी पर ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और उसमें से एक पर्पज़ जो है वो लॉफुल है और दूसरा काम जो है वो अनलॉफुल है, तो ये पर्पस जो है शिफ्टेड नहीं किया जा सकते, तो पूरा जो होल ट्रस्ट है ये वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। विदाउट कंसिडरेशन यानी कि कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, ऐसे ही आपने जो है वो डील कर दी कि मैं आपको 2 लाख रुपये दूंगा, तो ये भी वॉइड हो जाएगा जब तक राइटिंग में ना हो, यानी कि मुँह जबानी अगर कोई बात हो गई, जबानी कलामी कोई बात हो गई, तो वो भी वॉइड होगा अनलेस कि आपने उस चीज़ को लिख लिया हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक प्रॉमिस किया गया है कि जो उधार पैसे हैं वो लिमिटेशन लॉ के मुताबिक होंगे। इट इज़ अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंट जनरली स्पेशली ऑथराइज इन इट्स बिहाफ। ठीक है, एक प्रॉमिस हुआ कि जो उधार पैसे मैंने आपसे लिए हैं मैं आपको ये वापसी कर दूंगा, और वो जो उधार पैसे हैं जिस मकसद के लिए लिए गए वो कानून के अंदर है, तो ये एक वादा हो गया। और अगर ये रिटर्न भी है और साइन भी किया गया दोनों लोगों के दरमियान, या आपके एजेंट की तरफ से साइन किया गया, देखें अब क्या होता है कि आप जब मकान खरीद रहे होते हैं तो एक प्रॉपर्टी एजेंट बीच में होता है, जिसको हम रियल इस्टेट एजेंट बोलते हैं, सही है, या ब्रोकर बोलते हैं, वो बीच में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो जो है आपके बिहाफ पे बहुत सी चीज़ें कर रहा होता है,
तो वो कंसीडर यही किया जाता है कि आप ही कर रहे हैं क्योंकि आपने उसको अथॉरिटी दी भी होती है। ठीक है, टू पे होली और इन अ पार्ट ऑफ अ डे विच क्रिएटर माइट हैव इम्पोज पेमेंट बट फॉर द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट। देखिए, अब जो जिस बंदे ने उधार लिया और जिस बंदे ने दिया, अगर इनके खिलाफ कोई तल्ख कलामी होती है या इनमें से कोई एक जो है वो मुकर जाता है कि मैं पैसे नहीं दे रहा, तो ये लॉफुल जो है वो होगा और इसके जो है एक्शन लिया जा सकता है। इन एनी ऑफ द केसेस सच एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो नीचे केस दिए गए हैं इनमें से अगर कोई केस होगा तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यानी कि वॉइड एग्रीमेंट कौन से होंगे, यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट की भी एग्जाम्पल दी गई है और एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी भी एग्जाम्पल दी गई है, तो तीन चार हम देख लेते हैं। अब प्रॉमिस फॉर नो कंसिडरेशन, एक प्रॉमिस जो है वो नो कंसिडरेशन कैसे, तो गिव फॉर रुपीज 1000 दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट कि भाई बी को जो है मैं 1000 रुपये दूंगा। यहाँ पर ये वॉइड के तरीके हो गया, तो ये कि मैंने जबानी कलाम में बोला कि मैं जो हूँ वो आपको 1000 रुपये दूंगा, इस चीज़ पे दूंगा, क्या ऐसा काम आपने किया है उस पे दूंगा, तो वो मकसद और वो बातें यहाँ पर क्लियर नहीं है, स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, रिटर्न नहीं है, साइन नहीं है, तो इस वजह से जो है ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो। अब यहाँ पे क्या है, ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज सन बी ₹1000, आई पुट हिज प्रॉमिस टू बी इन टू राइटिंग रजिस्टर्ड दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देखें यहाँ पर कि मैं जो हूँ वो अपने बेटे से जो है वो प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं उसको जो है 1000 रुपये दे दूंगा, और मैंने इस प्रॉमिस को जो है वो रिटर्न करके दे दिया उसको और ये रजिस्टर्ड हो गया, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब देखें भले बाप और बेटे के दरमियान है लेकिन क्योंकि रिटर्न है साइंड है तो ये एक डॉक्यूमेंट बन गया और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं पैसे नहीं देता तो एक लॉफुल सूट मेरा बेटा मेरे अगेंस्ट फाइल कर सकता। अब इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे माँ बाप जो है वो वसीयत कर जाते हैं, ठीक है, तो उस वसीयत की बेस पे अगर कोई बेटा या बेटी मुकरता है तो फिर वो केस होता है और वो सारी पब्लिकेशन वगैरह जो है वो चल रही होती है। ए फाइंड बी पर्स एंड गिव इट टू हिम, बी प्रोमिस टू गिव ₹50, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ए का जो है वो पर्स गुम हो गया, ठीक है, और बी को जो है वो पर्स मिल गया, ए को जो है वो बी का पर्स मिला और उसने उसको वापसी कर दिया, तो बी ने वादा किया कि मैं आपको 50 रुपये दूंगा, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए सपोर्ट बीज इन्फेंस एंड बी प्रोमिस टू पे ए एक्सपेंसिस इन डूइंग सो, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ए जो है वो बी के बेटे को उसकी देखभाल करने में मदद कर रहा है, तो बी इसके एवज प्रोमिस करता है ए से कि आपके जो खर्चा इसके अंदर आएगा मैं वो आपको पैसे जो है वो पे करूंगा, तो उसमें क्या होगा, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बाकी आगे एग्जांपल्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, इजी हैं, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। ये सारी डिटेल्स जो है वो दी गई है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ यू हैव टाइम आप जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी कि कोई भी ऐसी सूरत हाल हो जाती है जिसकी बेसिस पे जो है वो एक एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है, जैसे उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। एग्रीमेंट द मीनिंग विच इज़ नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बींग मेड सर्टेन अवॉइड, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी जो बातें हैं या टर्म्स एंड कंडीशन है इतनी घुमा फिरा के लिखी गई हो कि आपको समझ में नहीं आ रही हो, या इन केस वो क्लियर ना हो, उनका जो है वो मतलब क्लियर ना हो, और उसमें ऐसे काम हो जो करने इम्पॉसिबल हो, ठीक है, तो वो अवॉइड हो जाते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई मैं जो हूँ आपको आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, आप सामने वाला बंदा जो है वो उसके ऊपर जो है वो क्लेम कर दे, तो ऐसे एग्रीमेंट जो है वो अवॉइड हो जाते हैं। अब इलस्ट्रेशन यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए एग्री टू से बी अ 100 टन ऑफ ऑयल, यानी कि ए एग्री हो गया कि वो बी को जो है वो 100 टन ऑयल बेचेगा। देर इज नथिंग वट एवर शू शो वट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड, द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पर देखें, ये देखें एक मैसेज का साइन आपको नजर आ रहा होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक एग्जाम्पल खुल जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर ये एग्रीमेंट स्टेटमेंट पढ़कर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये नोट्स आप किस तरीके से ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, वीयू एक्सपर्ट टीचिंग का ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है और व्हाट्सएप पेज का भी लिंक मौजूद है, तो आप किसी भी जो आपका सुटेबल मेथड है उससे हमसे कॉन्टैक्ट कर लें और ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्पेसिफाई ऑफ द टाइप ऑफ गुड, यानी कि ए को जो है वो मस्टली बताना चाहिए कि किस टाइप के गुड हैं, यानी कि अगर वो तेल है तो किस चीज़ का तेल है, कुकिंग ऑयल है या क्रूड ऑयल है, उस टाइप का ऑयल है वो बताना चाहिए, किस टाइप के ऑयल के कितने टन देंगे, कब देंगे, किन पैसों के अवज देंगे, देन इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए एग्री टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन नो एज एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स देर इज नो अनसर्टी हेयर टू मेक एग्रीमेंट वॉइड। देखें अब यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाली एग्जाम्पल में अनसर्टेनिटी क्या आ रही थी कि उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था ऑयल कौन सा है। अब नीचे बिल्कुल सेम कंडीशन वही है लेकिन
ए ने जो है वो बी को पूरी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन दी है कि ये ऑयल होगा, इससे आप ये कर सकते हैं, ये इसकी कंडीशन है, ये क्वालिटी है, इस टाइम मिलेगा, ये प्राइस होगी, सारी टर्म्स एंड कंडीशन, पेमेंट चार्ट सब कुछ उसमें बना हुआ है। तो ये इसमें कोई भी अनसर्टेनिटी मौजूद नहीं है कि ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाए, तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट होगा और एक कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एक और दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज नॉट इन्फोर्सेबल। सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन्फोर्सेबल नहीं हो लॉ के मुताबिक। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ऊपर हम डिटेल में पढ़ चुके, ठीक है। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज गुड कॉन्ट्रैक्ट एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अवॉइडेड बाय द पर्सन हु हैज पेड। ऑप्शन टू अवॉइड वेरियस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑल फॉर द वेरी बिगिनिंग इन द आई ऑफ, ठीक है। एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जब तक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लेता है जब तक दोनों लोग जो उसके अंदर एसोसिएटेड दोनों में से एक मुकर ना जाए, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक मुकर गया तो लॉफुली तो आप उसको इन्फोर्स कर ही नहीं सकते। अब इसकी एग्जाम्पल दी गई है कि मिस्टर असलम जो है वो लाहौर में रहते हैं, उन्होंने एग्रीमेंट किया मिस्टर कमाल से कि एक राइस डीलर है, चावलों के डीलर हैं गुजरावाला में, कि वो उनसे परचेज करेंगे 100 टन राइस। अब डीसी ऑफिस लाहौर जो है वो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि भाई इस जगह लाहौर से गुजरावाला या गुजरावाला से लाहौर जो है वो चावल इंटर ही नहीं हो सकते। तो इसमें क्या होगा कि एग्रीमेंट जो है वो कानून के मुताबिक लॉफुल नहीं रहेगा, क्योंकि कानून ने तो खुद ही अनलॉफुल कर दिया कि गुजरावाला से लाहौर चावल मूव हो या लाहौर से गुजरावाला चावल मूव हो। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आप अगेंस्ट दी लॉ काम कर रहे हैं और उसमें क्या होगा कि लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको इन्फोर्स नहीं करेगा, आपकी हेल्प करने के लिए नहीं मौजूद होगा, ये अनइन्फोर्सेबल हो गया। तो क्या हो, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ये जो है वो ये डिस्कस किया गया सेक्शन नंबर 56 में, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की किस सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 56 में डिस्क्राइब किया गया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये हमने ऊपर देखी कि भाई एग्रीमेंट हो गया मिस्टर असलम और मिस्टर कमाल के दरमियान के जो चावल हैं वो गुजरावाला से 100 टन खरीदेंगे जो कि लाहौर में आ जाएंगे, लेकिन डीसीओ ने जो है वो पाबंदी लगा दी है, अब तो ये इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्मेंस। तो ये इसकी एग्जांपल ऊपर दी गई है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बिकम वॉइड ड्यू टू सम इलीगेलिटी आफ्टर, यानी कि आपने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया सारी चीज़ें की, लेकिन बाद में उसमें इलीगल चीज़ें आपने इन्वॉल्व कर दी, जैसे इन्होंने चावल बोला कि चावल जो है वो गुजरावाला से लाहौर आ जाए और डीसीओ ने कुछ इम्पोज नहीं किया रिस्ट्रिक्शन, अब चावल आना शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ चावल में इन्होंने दूसरी चीजें साथ भेजने शुरू कर दी जो कि इलीगल हैं, तो उसमें क्या होगा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लॉ के हिसाब से अनइन्फोर्स, जिसके पीछे कानून ना खड़ा हो, अनइन्फोर्सेबल हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। अ क्लियर प्रॉमिस क्रिएट अ क्लियर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्लियर प्रॉमिस और एक क्लियर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ हुआ, इट कैन बी स्पोकन और रिटन। अब ये स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी होना सकता है, दिस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 9 ऑफ द लॉ। ये जो है वो सेक्शन 9 ऑफ द लॉ होता है, इसको जो है हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसके देख लें। इफ यू प्रॉमिस टू पे योर फ्रेंड $100 फॉर फिक्सिंग योर कार एंड यू बोथ एग्री टू इट इन राइटिंग, यू हैव एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ने जो है वो अपने दोस्त को बोला कि मैं आपको $100 दूंगा अगर आप मेरी कार जो है इसकी रिपेयरिंग कर दें, और आप बहुत में एग्री हो गया राइटिंग के अंदर, जो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद बात होती है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू एक्शन और सर्कमस्टांसेस नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, तो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्शन और सर्कमस्टांसेस के बेस पे हो एक्सप्लिसिटली स्टेट के अंदर ना हो। थोड़े से टिपिकल वर्ड से इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये नीचे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो इसमें जैसे क्या होता है, जब आप फूड जो है वो ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्ट हो जाता है कि आप जो है वो जो खाना आपके पास आएगा या सर्विस आपको मिलेगी उसके अगेंस्ट आप पैसे पे करेंगे। अब हालांकि ये लिखा हुआ नहीं होता, जैसे एक मिसाल ले लें कि आप एक रेस्टोरेंट के अंदर गए, वहाँ पे वेटर आया, आपने मेन्यू कार्ड देखा, आपने उसको ऑर्डर कर दिया, तो जब आप ऑर्डर करते हैं वो बोलता नहीं है कि इस ऑर्डर के इतने पैसे बन गए, आप पैसे दे दें फिर मैं आपको, ऐसा क्या होता है आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपके लिए खाना लेकर आता है, आप खाना खाते हैं एंड देन आप पैसे। इन केस अगर आप पैसे पे करने से मुकर जाए तो उसमें क्या होता है कि आपका एक जो इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आप कोई चीज़ ले रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंड देन आप उसको पैसे पे करेंगे, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। जैसे हम बस के अंदर सफ़र करते हैं, क्या होता है कि थोड़ी दूर हम चले जाते हैं फिर बस वाला आता है वो हमसे कराया लेता है, तो जितना सफ़र हम, ऐसा नहीं होता कि बस में आप खड़े हैं और फ़ौरन से आपसे कराया ले लिया जाए, ये लोकल बसेस में जो है उसमें ऐसे ही होता है कि थोड़ी दूर जाते हैं फिर आप पैसे लेते हैं, अगर आप पैसे नहीं दें और पैसे देने से मुकर जाए
अच्छा खासा सफर तो आपने क्लियर कर लिया है ना। तो जब आप बैठते तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते देंगे। प्रॉमिस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्शन ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड द प्रॉमिस सेड टू बी एक्सप्रेस। देखें अब जब कोई वादा जो है वो जबानी गलामी किया जाए तो इसको जो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस जो कि जबानी गलामी के अलावा हो, जैसे कि रिटर्न हो या आप कहीं पे जाके बैठे हैं और आप खाना खा रहे हैं जो वाली एग्जाम्पल थी, तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट है या प्रॉमिस टू पे है ये इम्प्लाइड। अब उसके बाद एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। सच कॉन्ट्रैक्ट आर दोज वेयर इंटरेक्टिव पार्टीज हैव कम्प्लीटली परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं कि जो रिस्पेक्टिव पार्टी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक चीज़ एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपने जो है वो मार्केट जाना है, या हम एग्जाम्पल देखते हैं जो बुक में दी है उससे हम समझ में आ जाए। जैसे मिस्टर अली जो है वो एग्रीमेंट में एंटर हुआ मिस्टर असलम के साथ कि वो जो है वो अपनी गाड़ी 8 लाख रुपए में मिस्टर अली को भेज देंगे, वो मिस्टर असलम को भेज देंगे। तो मिस्टर अली ने अपनी कार जो है वो मिस्टर असलम को दे दी और मिस्टर असलम ने जो है वो 8 लाख रुपए पे कर दिए मिस्टर अली को दिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के दरमियान हो गया जिसको परफॉर्मेंस हो गई, उनको गाड़ी मिल गई, इनको पैसे मिल गए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आएगा क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपना जो फंक्शन था अपना जो कॉन्ट्रैक्ट किया था जो टर्म्स एंड कंडीशन तय की थी कर लेंगे, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। इन सच कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो दोनों पार्टीज ने अभी सिर्फ यानी कि एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट से पहले की स्टेज है कि मिस्टर अली और मिस्टर असलम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड हुए और इन्होंने बोला कि मिस्टर अली ने बोला कि मैं जो है मिस्टर असलम जो है वो रेडी हो गए कि मैं अपनी कार जो है वो 8 लाख रुपये में भेज दूंगा, और मिस्टर अली जो है वो इस बात पर एग्री हो गए कि मैं आपको 8 लाख रुपये दे दूंगा, ठीक है। तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हुआ है तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एवरी पर्सन, अब देखें कि इस लीगल कैपेसिटी क्या होती है पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि एक बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो उसको क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। एवरी पर्सन में कॉम्पिटेट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, हर बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हु इज़ द एज ऑफ माइनॉरिटी यानी कि जो मेजोरिटी यानी कि जो कि 18 ईयर्स ऑफ एज का है, या मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर 18 ईयर्स ऑफ एज चलता है जब आप बंदा मेजर हो जाता है, माइनस निकल के मेजर हो जाता है, और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कानून हो सकते हैं। एक तो क्या हो गया कि मेजर होना चाहिए एज उसकी, दूसरा जो है साउंड माइंड का मतलब ये है कि वो अकली जहनी शऊर उसका जो है वो कायम होना चाहिए। नॉट डिसक्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर बाय एनी लॉ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी कोई कानून उसके खिलाफ ना बनाओ कि इस बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई एक जो है वो धोखेबाज बंदा हो या एक जो है वो चोर हो डाकू ले रहा हो तो उससे आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी से क्या मुराद है? देखिए मेजोरिटी से मुराद ये है कि एक बंदा जो है वो पाकिस्तान के लोग की बात हो रही है, एक बंदा जो है उसे कम से कम एज जो है वो 18 ईयर्स होने चाहिए। अब देखें जो 18 ईयर से कम लोग हैं जैसे कोई माइनर है अगर वो कॉन्टेक्ट करता है या किसी, तो उसकी सेल्फ उसका जो है अगर गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा तो उसकी एज 18 होनी चाहिए, वो माइनर के ऊपर गार्डियन बन जाएगा, और अगर वो गार्डियन बन जाएगा तो उसकी माइनॉरिटी जो है वो 18 साल पे जाके खत्म नहीं हो जाएगी, वो 21 साल तक जाएगी, लॉ ये कहता है। अब उसके बाद आप मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय माइनर इज वॉइड, यानी कि जो माइनर है वो अगर उधार वगैरह ले लेता है या लोन ले लेता है तो ये वॉइड हो जाएगा, यानी कि इसकी बेस पे जो है वो बैंक अगर लोन देता है एक माइनर को या कोई भी एक लोन देता है माइनर को तो उसकी बेस पे वो कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वॉइड हो जाएगा। और वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं हमने पीछे पढ़ा है जो कि अन इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विसेज बाय माइनर इज वॉइड सच केस ऑफ ब्रीच ऑफ सच एग्रीमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द माइनर ही कैन नॉट बी सूड, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। अब जैसे लोग माइनर से घर में काम करवा रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और उनके माँ बाप को पैसे दे रहे होते हैं, अब वो जो माइनर है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, उसको कोई केस नहीं हो सकता कि उसके माँ बाप को जो है 1 साल के पैसे दे दिए, अब वो 1 साल तक तो उस बंदे से काम करवा रहे हैं और बीच में वो बच्चा काम नहीं करना चाहता, वो माइनर काम नहीं करना चाहता, तो आप उस माइनर को कोई सज़ा नहीं दे सकते। हाँ उसके माँ बाप को सज़ा दे सकते, वो कानून के मुताबिक अलग टॉपिक है, लेकिन आप उस माइनर के साथ कुछ नहीं कर सकते। सर्विसेज का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर के साथ नहीं किया जा सकता, वो वॉइड है एंड अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अ माइनर एंटरिंग टू सर्विस कैन लीव द जॉब एट एनी टाइम बाय डूइंग सो दैट द माइनर कैन नॉट बी कमिटेड बाय एक्शनेबल नॉलेज, इट मीन्स दैट माइनर इफ अंडर सर्विस एग्रीमेंट कैन नॉट बी सूड, यानी कि माइनर जो है वो किसी भी टाइम अगर किसी के यहाँ जॉब कर रहा है तो वो किसी भी टाइम जो हो सकता है उस पर कोई अप्लाई नहीं होगा कि वो पहले 1 महीने का नोटिस दे फिर रिजाइन दे और वो ऑब्लीगेशन जो है वो पूरी करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम चाहे वो जॉब छोड़ सकता है और आप उसको जो है वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीमेंट विद द माइनर ऑन अकाउंट ऑफ माइनर विच हैव बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शंस, हाँ सेक्शन 68 के अंदर कुछ जो है वो एप्लीकेशंस वगैरह दी गई हैं जो कि माइनर पे भी अप्लाई होती हैं, ऐसा नहीं है कि माइनर को बिल्कुल छोड़ दिया, उसकी डिटेल हम यहाँ प्रोवाइड
नहीं की गई है, तो इसलिए हम इतना जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। लॉ टू विच ही सब्जेक्ट द एज ऑफ मेजोरिटी एज वेल एज डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी डिटरमाइंड बाय द लॉ टू विच कॉन्ट्रैक्ट पार्टी इज सब्जेक्ट। यानी कि मेजोरिटी एज जो है वो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से। और बाकी डिटेल जो है वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके। अच्छा एक चीज़ देखें, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया, एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया। इनकी जो है वो बहुत बस एक डेफिनेशन दी गई है सिंपल सी, और आगे एग्जाम्पल दी गई है। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी थोड़ी ज़्यादा दी गई है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और बाकी की जो है वो डेफिनेशन वगैरह आप याद कर लें। ठीक है गाइज, ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर हमारे लिए कुछ सजेशन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखें तो लाइक कर लें। इससे क्या होता है कि यूट्यूब के जो है वो एल्गोरिथम वर्किंग में आते हैं और ये वीडियो ज़्यादा तो स्टूडेंट्स तक पहुँचती है, तो इस तरीके से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। काइंडली लाइक का बटन लाजमी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने की वीडियोज टाइम पर मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।